रिलायंस रिलायंस रिटेल रिटेल स्टोर, स्टोर जैसे कि कि आप सभी जानते हैं एक बहुत बड़ी यूनिट है रिलायंस की जिसमें आपका रिलायंस ज्वेल रिलायंस ट्रेंड साथ ही साथ रिलायंस स्मार्ट आता है हमेशा आप देखेंगे कि रिलायंस रिटेल में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेगी और इस वक्त भी रिलायंस आप सभी के लिए काफी सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर के आए हैं आज की इस वीडियो में हम उन सभी जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करेंगे जो कि रिलायंस में डायरेक्ट आई हैं यानी कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आई हैं प्लस कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसी भी हैं जो कि रिलायंस में आई हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्टर के जरिए आई है तो आज की इस वीडियो में मैं अंकिता आपको दोनों ही अपॉर्चुनिटी के बारे में पूरी जानकारी दूंगी कि किस तरीके से आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है क्वालिफिकेशन कितनी रिक्वायर्ड है सैलरी आपको कितनी दी जा रही है सारी जानकारी आज मैं आपको दूंगी इस वीडियो में लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लेना और बेलाइकन को भी प्रेस कर देना सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो दोस्तों इस वैकेंसी की अपडेट देने से पहले मैं आप सभी को एक और अपडेट देना चाहूंगी जो कि मसाई स्कूल की तरफ से है जी हाँ आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना करियर टेक में स्विच करना चाहते हैं या फुल स्टेक डेवलपर बनना चाहते हैं या कोई टेस्टिंग वाला काम करना चाहते हैं बट उनके पास कोई ऐसी डिग्री नहीं है या डिग्री है तो उनके पास इतनी नॉलेज नहीं है कि वो वो ऐसी टेक प्रोफाइल्स में काम कर सके और ना ही इतने पैसे हैं कि वो लोग इतना खर्चा करके अपने लिए कोई कर सकें तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए मसाई पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम लेकर के आया है जहां पर आप पहले जो है अपनी प्रिपरेशन करते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं उसके बाद जब आपकी नौकरी लगती है तब इनकी जो फीस है वो पे करते हैं तो एक वंडरफुल प्रोग्राम है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि अभी इस वक्त हाई पेइंग जॉब टेक में अपने लिए सर्च आउट कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी टेक में आने वाले टाइम पर आने वाली है जिसमें आपको वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है साथ ही साथ कंफर्टेबल अपॉर्चुनिटीज रहती है और हां मसाई के पास पेटीएम ओला आई बी एम बाईजूस अजियो जैसी बड़ी बड़ी चार हजार से भी ज्यादा कंपनी है जो कि इनके जरिए कैंडिडेट को हायर करती हैं तो अगर आपने बी एस सी की है बी कॉम की है बी बी ए की है बी टेक की है इवन अगर आप ट्वेल्थ पास स्टूडेंट हैं तो आप इस कोर्स में जरूर एनरोल कर सकते हैं साथ ही साथ यहाँ पर आपको बता दू की इनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है यहाँ पर आपको सबसे पहले एम सेट देना होगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है जिसमें बेसिक क्वेश्चन एप्टीट्यूड के पूछे जाएंगे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर आप उसको क्वालिफाई करेंगे देन आपको ये अपॉर्चुनिटीज में एनरोल किया जाएगा तो फटाफट से इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत जाने दीजिए इसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है उसको क्लिक करके यहाँ पर तुरंत अप्लाई कीजिए और अब बात करते हैं आज की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में तो सबसे पहले आपको गूगल पर टाइप करना है डब्ल्यू जॉब नाउ ट्वेंटी फोर सेवन डॉट इन और एंटरप्रेस करना है जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आप जॉब नाउ ट्वेंटी फोर सेवन डॉट इन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे गाइस मैं जो भी अप्लाई लिंक आप सभी को देती हूँ किसी भी अपॉर्चुनिटी का चाहे वो मेरे इस चैनल पर वीडियो आए चाहे वो नए वाले चैनल जॉब नाउ ट्वेंटी फोर सेवन लाइव पर आए उन सभी का अप्लाई लिंक यहाँ पर दिया होता है इससे पहले मैंने आप सभी के लिए दो अपॉर्चुनिटी पोस्ट की थी एक इंटरव्यू पोस्ट किया था एम एम का और जो दूसरी अपॉर्चुनिटी थी वो एस आई की थी तो अगर आपने इन दोनों वीडियो को नहीं देखा है और यहां पर अप्लाई नहीं किया है तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं अब बात करते हैं रिलायंस में आई हुई जॉब अपॉर्चुनिटी की तो यहां पर मैं सिंपली क्लिक कर देती हूँ जैसा कि आपको पता है कि रिलायंस के रिटेल स्टोर बहुत सारे हैं जिसमें आपका रिलायंस ट्रेंड भी आता है रिलायंस ज्वेल भी आता है रिलायंस स्मार्ट भी आता है तो यहां पर नॉर्मली डे टू डे बेसिस पर कई सारी वैकेंसीज आती रहती हैं अलग अलग शहर में तो अभी इस वक्त कौन कौन से शहरों में ये अपॉर्चुनिटी आई है कहां कहां पर आई है आज हम उन सभी वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे ठीक है तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रही है ये सेल्स एसोसिएट की प्रोफाइल पर है रिलायंट Reliant... रिलायंस रिटेल में ही आई है फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी है फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर मल्टीपल लोकेशंस पर ये हायरिंग्स हैं सैलरी पैकेज आपको काफ़ी अच्छा दिया जा रहा है साथ ही साथ इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं ठीक है ठीके? अब इस अपॉर्चुनिटी में आपके लिए क्वालिफिकेशन क्या है अप्लाई करने की तो अगर आपने मिनिमम टेंथ पास किया है ट्वेल्थ पास किया है या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन की है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इसके साथ साथ आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए सेल्स की लाइन में कस्टमर सर्विस में प्रेफरेंस दी जाएगी लेकिन अगर आपके पास सेल्स में एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात रहेगी इसके साथ साथ आपकी स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए साथ ही साथ फेस टू फेस आपको रिटेल इन्वायरमेंट का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए सैलरी यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं की गई लेकिन मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते मल्टीपल लोकेशन की ये हायरिंग है। यहाँ पर देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है कि आपको यहाँ पर करना क्या है तो मैं आपको बता देती है अब अगर आप यहाँ पर किसी भी स्टोर्स पर होंगे कोई कस्टमर आता है उनको कोई प्रोडक्ट देखना आपका काम रहेगा उनको अच्छे से प्रोडक्ट दिखाना और ये कोशिश करना कि वो जो प्रोडक्ट बाय करने आए हैं वो रिलायंस के स्टोर से ही बाय करें उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको भी फिलफिल करना अगर उनकी कोई कंप्लेन है या कोई क्वायरी है उसको भी आपको सॉल्व करना होगा ठीक है तो यहाँ पर देखिए जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रॉपर पॉइंट्स में दी गई है यहां पर आपको कस्टमर को असिस्ट करना होगा जो प्रोडक्ट लेने आए हैं वो प्रोडक्ट चूज करने में ढूंढने में उनकी मदद करनी होगी इसके बाद आपको उस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी देनी होगी प्राइस बताना होगा और कब तक उनको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा उसकी अवेलेबिलिटी क्या है वो भी उसके बारे में आपको बताना होगा ऑर्गेनाइजेशन स्टोर्स के अंदर साफ सफाई भी मेंटेन करनी होगी साथ ही साथ जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो भी आपको एफिशिएंटली देखने होंगे इसके साथ साथ अगर कस्टमर की कोई क्वायरीज है कोई क्वेश्चंस है उनको भी रिजॉल्व करना होगा और अपने जो डे टू डे बेसिस के टारगेट होते हैं उनको भी आपको फुलफिल करना होगा ठीक है इसके साथ साथ जो टीम मेंबर्स होते हैं जो स्टोर्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको भी आपको अचीव करना होगा तो बेसिकली आपको यहां पर इनके स्टोर में ही काम करना है नॉर्मल जो काम होता है स्टोर के अंदर जो कस्टमर्स आते हैं उनको डीलिंग करने का करने का वही काम आपको यहां पर करना होगा तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे वाला है तो पहले आप देख लेना सी लोकेशन की वैकेंसी है क्या वो लोकेशन आपके लिए सूटेबल है या नहीं जिस प्रोफाइल में आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपके लिए है या नहीं उसके बाद ही आप अप्लाई करना ठीक है ये एक लोकेशन की वैकेंसी है कौन सी लोकेशन है मैं आगे चल करके बताने वाली हूँ कैसे पता लगेगा ये देखिए ई नाउ का बटन मैंने यहां पर दिया हुआ है जब आप इसे क्लिक करेंगे तो देखिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे ठीक है अब यहाँ पर आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखेंगी लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पर लाइन से आई हुई है मैं आपको पहले तो सबसे पहले पोस्टिंग डेट दिखा देती हूँ ये देखिए पाँच तारीख को आई है पाँच तारीख को आई है तीसरी वाली वैकेंसी भी पाँच तारीख को आई है और इसके बाद वाली वैकेंसी भी पाँच तारीख को आई है पाँच जून दो को ही ये सभी की सभी वैकेंसीज जो कि आपको फर्स्ट पेज पर दिखाई दे रही हैं वो यहाँ पर आप के लिए आई आई हैं ठीक है थीके? तो ये जो वैकेंसी है जो कि आपकी सेंट्रो में है ये बे, बेंगलोर कर्नाटका लोकेशन की है ये कासा की है ये विशाखापट्टनम लोकेशन की है ये सेल्स एसोसिएट की वैकेंसी है ये कोलकाता में है इसके बाद जो सेल्स एसोसिएट की वैकेंसी है ये हावड़ा वेस्ट बंगाल में है इसके बाद नीचे की ओर जब हम आएंगे तो देखिए लेटेस्ट जॉब ओपनिंग्स ही आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि अलग अलग लोकेशन की है ये देखिए अकबरपुर उत्तर प्रदेश की है फिर इसके बाद गोरखपुर उत्तर प्रदेश की है कर्नाटका की है इसके बाद देखिए ये भी कर्नाटका की है तो यहां पर आपको ना बहुत सारी ओपनिंग्स जो है दिखाई देंगी अब देखिए आपको किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी में अप्लाई नहीं करना है काफी सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि मैम हमने अप्लाई किया बट हमारे पास रिवर्ट नहीं आया तो देखिए एक तो आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं दूसरा तरीका मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज आप सभी के लिए नए चैनल पर पोस्ट किए हैं जहां पर मैं उन लोगों से बातचीत करती हूँ जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो रिलायंस का जब आप इंटरव्यू देखेंगे तो जो लोगों ने अप्लाई किया है इनके एप्लीकेशन से या एप, वेबसाइट से उनका सिलेक्शन हुआ है या फिर जो लोग डायरेक्ट गए हैं रिलायंस स्टोर पर उनके मैनेजर से उनके टीम लीडर से पता किया है कि यहां पर कोई ओपनिंग है या नहीं उनका सिलेक्शन जरूर हुआ है तो इनकेस अगर आपका रिवर्ट नहीं आता है, तो आपको हार मानने की जरूरत नहीं है सबसे पहली बात आप में से बहुत सारे लोग हार पहले ही मान जाते हैं भैया एक नौकरी ही है सिर्फ एक जॉब है जॉब अभी मार्केट में इतनी सारी है मैं बहुत सारी सारी जगह जाती हूँ इतनी ज़्यादा जॉब्स है मार्केट में जिसकी कोई अत नहीं लेकिन काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए डेडिकेटेड इंसान होना चाहिए और हर काम में आपको ये नहीं हो कि मैं ये काम नहीं कर सकता मैं ये काम नहीं कर सकता अगर आप काम करने के लिए रेडी हैं तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है ये बात आप याद रखिए ठीक है तो अगर आपका यहाँ से रिप्लाई नहीं आता है तो आप डायरेक्ट अपने नियरेस्ट स्टोर में जो रिलायंस ज्वेल्स हैं रिलायंस स्मार्ट है रिलायंस ट्रेंड है, है वहाँ पर जाकर के भी पता लगा सकते हैं कि क्या कोई ओपनिंग्स हैं या नहीं तो वहाँ से आपको डायरेक्ट एच का कॉन्टैक्ट नंबर मेल आईडी और या यहाँ तक कि डायरेक्ट रिज्यूमे भी आप वहाँ पर जा कर के दे सकते हैं वहाँ से आपका जल्दी सिलेक्शन हो जाता है बाकी जो अभी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं तो इसमें आप चेकआउट कीजिए कौन कौन सी लोकेशन की है जिस लोकेशन पर आप काम कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ये वाली अपॉर्चुनिटी है जो कि गोरखपुर की है मैं सिंपली इसको क्लिक कर लेती हूं जब मैं यहां पर क्लिक करूंगी तो देखिए इस तरीके से पूरी जानकारी ओपन अप होकर के आ जाएगी यहां पर जो अप्लाई नाउ का बटन आपको दिखाई दे रहा है आप इसको क्लिक करिएगा आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो एग्जिस्टिंग यूजर पर क्लिक कीजिएगा अगर आप न्यू यूजर हैं तो न्यू यूजर पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ये जो फॉर्म है फ्री ऑफ कॉस्ट है कोई चार्जेस नहीं है कोई फीस नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट ये फॉर्म है आप सभी के लिए आप इसको भर सकते हैं घर बैठे भर सकते हैं मोबाइल फोन से अपने लैपटॉप से या फिर कंप्यूटर से आपको यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई फीस कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है आप यहां से इसको भर के यहां पर अप्लाई कर सकते हैं सो so फ्रेंड्स अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जॉब नॉट ट्वेंटी फोर सेवन डॉट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दी है अब वहां पर आकर के इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर सकते हैं साथ ही साथ अगर आप अपने नियरेस्ट स्टोर में अपॉर्चुनिटी चाहते हैं तो वहां पर विजिट करके भी पता लगा सकते हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी आई है या नहीं और जो मैंने अपडेट आपको दी मसाई के बारे में अगर आप उसमें एनरोल करना चाहते हैं उसमें अप्लाई करना चाहते हैं जो कि एक पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम है जिसका कोर्स इस महीने की सत्रह तारीख को लॉन्च हो रहा है अगर आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दिया है सो फ्रेंड्स आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक कीजिए और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कोई नहीं जान